हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये सीट आगे कर देना, दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ। क्या हुआ बुजू, क्या तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं रिजान अभी नहीं आ सकती, घर जाके थोड़ा आराम करूंगी, शाम काम पे भी जाना है। हाँ ठीक है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें छुट्टी करनी पड़ी। अरे पागलों वाली बातें मत किया करो, बहुत अच्छा सरप्राइज है, शौकत अंकल देखना बहुत खुश हो जाएंगे। और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर तुमने ये शॉप ढूंढी कैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, क्या तुम्हें बाबा का पता नहीं है सोना? जब उन्हें पता चलेगा तो वो बेहद खुश होंगे। हाँ। परेशान मत हो तुम। हाँ समझ गई ना, ख्याल से जाना, बाद में मिलेंगे। वो बुर्जू थी ना? हाँ। कहाँ चली गई वो? इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह कामचोर तो नहीं होता ना भाई, वो काम पर गई है, नौकरी करती है वो। आप बुर्जू के सामने भी इसी तरह बातें करती रहती हैं क्या? ऐसा मत किया करें आपा। क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत बुरा लगा मेरे भाई? कसम से मैं आपका इंटरनेट बंद कर दूंगा आपा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे मशहूर होती हैं। बेटा मुँह चलाने से बेहतर है हाथ चलाओ और ये देकर आओ कस्टमर को। बाबा आप बिना मुझे इस काम पर लगा कर रखते हैं, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ भाई, ये ऑर्डर किसका है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा। तुम लोग थक गए होगे, तुम लोगों के लिए चाय बना देते, बाद में पी लेंगे, कोई जल्दी तो नहीं? आप बैठे बाबा, मैं आपके लिए बनाकर। अरे नहीं बेटा, बाद में हम साथ पी लेंगे, तुम यहाँ बैठो। हाँ तो मुझे ये बताओ कि सरप्राइज की क्या कहानी है? क्या आप जानना चाहते हैं हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बाबा? हाँ ये लोग आपसे मिलने आए हैं। जी कहिए। क्या शौकत आपका नाम है? जी मेरा ही नाम है। दरअसल हमारे आने का मकसद यह है कि हम जानना चाहते थे कि इस जगह की वैल्यू क्या होगी। रास्ता दीजिएगा जरा। कॉफी हाउस के लिए? हाँ इसकी वैल्यू लगाने मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपको इसका नोटिस नहीं मिला? नहीं हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला। इस कॉफी हाउस को आपने गिरवी रखवाया था? अरे नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं हमसे? आपने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया इसलिए मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है हम लोगों को। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई गिरवी नहीं रखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या इस पे दस्तखत करेंगे आप? नहीं पापा, इस पे साइन मत कीजिएगा। साइन मत कीजिएगा। शौकत साहब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर आप तआवुन करेंगे तो अच्छा हो। शायद आप समझ नहीं रहे, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बाबा बाबा रुकिए, बाबा प्लीज ऐसा मत करें, साइन मत कीजिएगा। बाबा एक दफा पढ़ तो बाबा, लिखा क्या? खामोश रहो तुम लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है बाबा? बहुत शुक्रिया, आपका काम हो गया और यहाँ से फौरन जा भी रहे हैं। आप लोग यूँ अचानक आ गए हैं, मैं तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ आके गिरवी की बातें कर रहे हैं, मत करें ऐसा। जिससे कर्जा लिया है उससे जाकर बात करें, हमें तंग मत करें। खुदा हाफिज़।